मम्मी दूर की कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो चीकू है वो रास्ता ढूंढ रही होती है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है, पर वो कई सालों से वो बंद होता है। तभी वो बाहर आती है और वो कहीं ना कहीं खुश होती है कि उसने दरवाजा ढूंढ लिया है। तभी यहाँ पे एक सर्वेंट होती है, उससे पूछती है कि उधर जो दरवाजा है वो किस चीज का है। तो कहती है कि वही पहले मेन गेट रहा करता था, पर कई सालों के बाद यहाँ पे ये गेट बन गई है, तो वो बंद ही रहता है। तभी यहाँ पे उसे इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, पर वो उसे कहती है कि उधर मत जाना। तो यहाँ पे फिर भी वो उधर जाती है और उसे दरवाजा को खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुल पाती है। और इधर दिखाया जाता है कि जो जो नुपुर है वो रो रही होती है, तो उसकी दोस्त रीमा कहती है कि क्या हुआ, तुम सुबह जब से आई हो तब से ही परेशान हो। तभी यहाँ पे वो बताती है कि जो जो इसके हस्बैंड है वो उसे तलाक देना चाहते हैं। वो समझाने की कोशिश करी है, पर वो समझ नहीं रहे। तभी रीमा समझाती है कि देख तू एक बार प्यार से बैठ उसे समझा तो वो समझ जाएंगे। तभी यहाँ पे जो जो ये नुपुर है वो कहती है कि मुझे ना एक बार उसे यहाँ पे कैच पिक करके लेकर आना होगा, वो आ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो चीकू है वो इधर ही रहती है, तो उसे हल्का हल्का आवाज सुनाई दे रहा होता है जो नुपुर और रीमा बात कर रही होती। तभी यहाँ पे रीमा इसे समझा रही होती है और जो नुपुर है वो कहती है कि कल मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है। और ये चीज सुन लेती है ये चीकू, और वो थोड़ा उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिर क्या बोल रही है वो। वेडिंग एनिवर्सरी ऐसे ही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तभी वो जाती है बाहर, तो यहाँ पे उसकी माँ होती है, तो उसे उसे ही यही चीज़ बताती है। तो कहती है कि अच्छा ये वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तुम्हें मैं जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वैसे करना। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे चीकू आ जाती है अपने दोस्तों के पास, और ये लोग देखते हैं कि चीकू कपड़ा चेंज कर लिए, तो इन लोगों को अच्छा लगता है। पर जो टंकी होता है वो बात करने के लिए जा ही रहा होता है कि सब लोग उसे मना कर देते हैं। तभी यहाँ पे चीकू याद करती है कि उसकी माँ ने क्या कहा था, जब ये लोग नहीं बात करे तो तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना है। तो यहाँ पे ये जोकर का भेष ले लेती है और इन सब के साथ डांस करती है, गाना गाती है, और इन दोनों को मनाने के लिए। तो यहाँ पे यही सब होता है। उसके बाद सब लोग मान तो जाते हैं, और टंकी कहता है कि तुम बात नहीं करी थी ना तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने ही हमें समझाया कि रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसे एक पल के लिए अच्छा लगता है, पर उसे उसकी अपनी ही माँ के बारे में याद आने लगता है कि उसने कहा था कि वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करे, बातों में तुम्हें समझाए, पर तुम उसकी बातों में मत आना। तो वो फिर से बात को इग्नोर ऐसे ही कर देती है। तभी वो बताती है कि कल ना नुपुर आंटी का एनिवर्सरी है, तो हम लोग ना अच्छा सा सरप्राइज देंगे। तो आप ये सब खुश हो जाते हैं, और जो नुपुर है नुपुर भी यहाँ पे आ जाती है। और तभी यहाँ पे नुपुर इनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, उसके लिए सॉरी, और मुझे डांस सीखना था, अब सिखाओगे ही ना। तो यहाँ पे नुपुर कहती है कि हाँ ज़रूर, वैसे भी मैं डांस की माँ हूँ, तो तुम मेरी बच्ची हुई तो मैं ज़रूर तुम्हें सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये इतने अच्छे से बात करती है, नुपुर को गले भी लग जाती है, पर ये सब कुछ इसकी माँ ने ही से सिखाया है कि अच्छे से बात करना, कि उसको तुम पे भरोसा हो जाए। तो वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे नुपुर की जेठानी एक मौका भी नहीं छोड़ रही है मिलिन और उसकी माँ को भड़काने की। यहाँ पे होता ये है कि जो मिलिन की माँ है वो कहती है कि वो साइन क्यों नहीं, कि उसे साइन करना ही पड़ेगा। तभी वो कहती है कि हो सकता है कि कई सालों से वो यहीं पर रह रही है, ऐसे आराम का जिंदगी जी रही है, तो कैसे वो छोड़ के जाएगी। तो यहाँ पे वो उसकी बुराई कर रही होती है, तब जाकर मिलिन कहता है कि बस आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरी वाइफ वैसे नहीं है और आप ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो यहाँ वो साफ साफ मना कर देता है उससे बोलने के लिए, और ये कहता है कि मैं उससे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा। तो ये सुनने के बाद उसकी भाभी खुश हो जाती है। और हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो मिलिन है वो किचन में होते हैं, वो कुछ बना रहे होते हैं अपने लिए। तभी यहाँ पे नुपुर आ जाती है, और नुपुर कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तो हम लोग जैसे थे पहले वैसे ही क्यों नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से मैं थोड़ी दूसरे जगह पे ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से वो कह रही होती है, और वो ये भी कहती है कि जो नाथाले में बच्चे हैं वो बच्चे कल हम लोग के लिए एक परफॉर्मेंस रख रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे वो गुस्सा हो जाते हैं और कहती, तभी यहाँ पे वो कहती है कि देखो तुम्हें याद होगा कि एक बच्ची मिली थी हम लोग को वहाँ पे, वही बच्ची वहाँ पे है, उसकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, क्या पता उन लोगों को हेल्प करूँगी तो मैं अपनी बच्ची से मिल जाऊँ। तो यहाँ पे नुपुर ये सारी बातें तो कहती है, और वो रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम प्लीज मेरे साथ कल चलना ना। तो यहाँ पे ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं, और इसकी जो भाभी है मिलिन की वो सुन लेती है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।